अभी चलो टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है पहले। तो गाइस बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। वैसे टाइम नहीं मिल पाता भाई, काम में बिजी रहता हूँ, तो मुझे आनिया का गेट अप रेडी। देखो भाई एकदम फुल पब्लिक यहाँ पे है। सो गाइस फाइनली जगह पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो पूरा वाटर ही वाटर है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, हियर इज शादाब मलिक। सो गाइज आज मैं हूँ अपने गार्डन में और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये देखो एप्पल्स भाई एकदम जबरदस्त वाले भाई ट्रीज में पूरे देख रहे हो सेब कैसा एकदम फरा हुआ, और देखो रेड नीचे भी बहुत सारे सेब्स गिरे हुए हैं भाई यहाँ पे। और ये देखो आप चारों ओर देखोगे इधर एप्पल ट्रीज ही है, और ये है हमारा बड़ा सा गार्डन जो कि काफ़ी सुंदर और नीट एंड क्लीन भी है। और देख सकते हो भाई ग्रास कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भाई, ये पोलन का आनंद उठाने का मज़ा ही यही है भाई, एकदम फ्रेशनेस फीलिंग होता है। देखो भाई अभी मैं आप लोगों के सामने एक सेब तोड़ता हूँ, पहले ये देखो ये तोड़ लेता हूँ, अभी चलो टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है पहले। जबरदस्त भाई एक नंबर भाई, टेस्ट इतना मस्त है ना भाई कुछ कह नहीं सकता भाई। अभी देखो इधर पूरा पूरा सेब ही लगा हुआ है, नीचे भी बहुत गिरा हुआ है। एप्पल तो बहुत सारा खाया हूँ, इंडिया में भी खाया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ से तोड़ के खाने का जो मज़ा है ना उसका स्वाद ही कुछ अलग ही है भाई। है यार देख सकते एकदम बड़े बड़े सेब लगे हुए भाई, मजा आ गया भाई। क्या जबरदस्त है यार एकदम, नीचे देखो भाई नीचे देखो कितने सारे सेब्स पड़े हुए, ये सब तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है भाई। यहाँ फार्म हाउस पे जल्दी आने का टाइम नहीं मिलता है कभी कभी, देखो इस तरह लगा रहता है यहाँ पे। और देख सकते हो अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं सेब्स के, देखो यहाँ पे देखा तो बहुत सारे सेब्स है भाई, उधर भी देखो उधर भी सेब्स है, पूरा पार्क भरा हुआ है सेब के। सो दोस्तों आज का मौसम भी बहुत ही हॉट है, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा वाटर पार्क चला जाता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। और ये जो चश्मा लगाता हूँ भाई ये बस सन लाइट से प्रोटेक्शन के लिए लगाता हूँ, तो इसके वजह से कोई भी बैड कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, कि बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई आपके पास ये भी ब्लैक ही सन ग्लासेस है, लेकिन देखो भाई ब्लैक सन ग्लासेस से ज़्यादा ये सन लाइट होता है वो ऑब्जर्व करता है और से मतलब प्रोटेक्ट रखता है आँखों में। तो गाइज बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। वैसे टाइम नहीं मिल पाता भाई, काम में बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे वर्क साइट भी जाना पड़ता है, थोड़ा सा वहाँ पे काम हम देखना पड़ता है, तो इसके वजह से टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, जो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो कोशिश करूँगा आपसे हर वीकली आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँ। अभी कहीं बाहर जाने का कुछ प्लान नहीं है जब तक मेरा कार्ड नहीं आ जाता है, अगर एक बार मेरा कार्ड आ जाता है जो मैंने TRC के लिए अप्लाई किया हो, रिसीव होने के बाद फिर अपना तो यूरोप कंट्री कहीं भी विजिट कर सकते हैं भाई, एक बार कार्ड मिल गया तो फिर कोई मसला ही नहीं है, सेंशन कंट्री कहीं भी आप जा सकते हो। तो आप इसी तरह हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करो, और जो भी हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देखते हैं आप सभी को दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और आप लोग बहुत ही अच्छे और प्यारे हो भाई। सो गाइस फाइनली जगह पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो पूरा वाटर ही वाटर है, अभी जा रहे थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। ब्लॉग में बने रहो तो दिखाता हूँ आप लोगों को। आनिया का गेट अप रेडी, देखो भाई एकदम फुल पब्लिक यहाँ पे है, देखो एकदम प्यारा सा झील है भाई यहाँ पे, तो फॉरेस्ट देखो भाई एकदम पेड़ पौधे कितने प्यारे रहते हैं, यहाँ बाइकर भी यहाँ पे मज़ेदार वाले रहते हैं भाई एकदम, बाइकर लोग को देखो ना बाइक देख के मज़ा आ जाता है, यहाँ पे फुल गेटअप में आते हैं बाइकर्स, और देखो सब कैंपिंग लगा के कैंप लगा के बैठे हुए यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो हेटर्स लोग कमेंट करते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस, और मैं इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करो और प्यार दो, और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।